नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। साल 2015 में भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था। इस वीडियो में हम लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये दूसरी वीडियो है लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे। पिछली वीडियो में हमने जीवांत लखनऊ और सुगम लखनऊ स्कीम के बारे में बात की थी, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सेटअप की गई थी, और इसके तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चलाए जा रहे हैं और भविष्य में चलाए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम स्वच्छ लखनऊ और समृद्ध लखनऊ, इन दोनों स्कीम्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ लखनऊ की। इसके तहत सीवर लाइन का डेवलपमेंट, नालियों के बगल में और सीवेज नेटवर्क को बेहतर करने का काम किया गया है कैसरबाग एरिया में। तो यहाँ पर दोस्तों लखनऊ के जो ओल्ड एरियाज हैं, जिसमें लालबाग, अमीनाबाद, ओल्ड गणेशगंज, वजीरगंज और हजरतगंज, इन क्षेत्रों को चुना गया है, जहाँ पर करीब 200 mm से 1900 mm तक करीब 132,352 मीटर तक मैन होल्स निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा 266 स्मार्ट सेंसर्स को भी सेटअप किया गया है। करीब 38,649 हाउसहोल्ड्स को सीवेज कनेक्शन भी दिया गया है। सीवेज पंपिंग स्टेशन, मिसलेनियस वेस्ट रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स सेटअप किए गए हैं। इसके अलावा मछली मोनाल पंपिंग स्टेशन और ओल्ड CIS गोमती ट्रंक सीवर, इनको भी रीडेवलप किया गया है। इनेबल्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, डोर टू डोर कनेक्शन, इन सारी फैसिलिटीज़ को भी लाया गया है। इसके तहत ई रिक्शास को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि वेस्ट कलेक्ट करते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और इसको ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है। इसके तहत दोस्तों GPS सेटअप किए गए हैं इन ई रिक्शास में, और यहाँ पर अंडरग्राउंड BIS सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जिसके तहत हमें ये पता लगता है कि कितना फिलिंग यहाँ पर हुआ है, ताकि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम कूड़ों की अच्छे से प्लानिंग कर सकें और उनका रिसाइकल कर सकें। अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कूड़ा एक साथ लेकर चलती हैं, जिससे सड़कों पर वो कूड़ा गिर जाता है। ओवरऑल शहर के लिए सही नहीं होता है, वो शहर के अंदर गंदगी को ही फैलाता है। तो इन सेंसर्स के सहारे कूड़े को कंट्रोल किया जाता है व्हीकल के अंदर। इसके अलावा उसका जो लास्ट डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पर वो रिसाइकल होता है, वहाँ तक के प्रोसेस में इन सेंसर्स को यूज़ किया जाता है, ताकि शहर में और गंदगी ना हो और कूड़ों का सही से मैनेजमेंट हो सके। सेकेंडली, कलेक्शन पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनको हम पोर्टेबल कॉम्पैक्ट ट्रांसफर स्टेशंस भी कह सकते हैं, जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाता है। इसके अंतर्गत जो ट्रांसफॉर्मिंग डम्प्स थे, इनको ट्रांसफर स्टेशंस में बदल दिया गया है। तीसरे पार्ट में इन रिसाइकल डम्प्स को ACC सीमेंट प्लांट तक भेजा जाता है, जहाँ पर मैन्योर या कहें तो फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है, और बाद में इसको करीब के किसानों को बेच दिया जाता है। करीब 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ 15 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन प्लांट सेटअप कर दिया गया है, जो कि अब ऑपरेशनल है। यहाँ पर करीब 500 kg कैलोरिक वेस्ट से 0.5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये दोस्तों ऑपरेशनल है, और करीब PPA एग्रीमेंट के तहत ERC ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसने इसका डेवलपमेंट किया है। अंतिम स्कीम है समृद्ध लखनऊ। तो दोस्तों समृद्ध लखनऊ एक प्रोजेक्ट स्कीम है, जिसके तहत जो भी लखनऊ के इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर प्लेसेस हैं, यहाँ पर कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन, इन सब का काम किया गया है। इसमें 8 साइट्स को शामिल किया गया है। इसके लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज को अपॉइंट किया गया है, उसने इसका DPR बनाया है। यहाँ पर दोस्तों कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं लखनऊ के अंदर, जिनकी कंडीशन बेहतर नहीं थी, या फिर उसमें कुछ अपग्रेडेशन करने का प्लान बनाया गया था, ताकि यहाँ पर टूरिज्म बढ़े, तो इसके लिए ये सारे काम किए गए हैं। इसके तहत मॉन्यूमेंट्स का आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंटेशन, रिस्टोरेशन, ये सारे वर्क शामिल थे। इसके तहत 76 मंजिल इसका रिस्टोरेशन किया गया। इसके अलावा कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन और लाइटनिंग का भी काम किया गया है बहुत सारे एरियाज में। इसमें पर्सन विलास कोठी, लाल बरादरी, रोशनउद दौल कोठी, इमामबाड़ा, मॉरिस मार्केट, कैसरबाग चौक, ये सभी शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो स्कीम्स चलाई गई थी और जिनके बारे में जानकारी वेबसाइट पे उपलब्ध थी, इस वीडियो में मैंने साझा की है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इसके तहत चलाए गए हैं या फिर जिन पर काम हो रहा है, जो भी वेबसाइट से उपलब्ध जानकारी थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको ये बताया है। और दोस्तों हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी 100% कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, इन सब पर काम शुरू हो चुका है, और कुछ का काम पूरा हो चुका है, और कुछ पर जल्दी काम पूरा हो जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।